विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी चमत्कार प्रदर्शन करछि। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं मणिपुर में बीजेपी बहुमत आसन पाई। एथसहित गोआर सबुठ बड़ दल भाव में बीजेपी उभा होती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नुआ दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंची विजय समारोह जोगद। प्रधानमंत्री गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी सभापति जेपी नड्डा एवं अन्य वरिष्ठ नेता दलर मुख्यालय उपस्थित रही। प्रचंड विजय पर जनसाधारण को कृतज्ञता जनाई प्रधानमंत्री। कार्यकर्ता कठिन परिश्रम जो जनसाधारण विश्वास जितबार सफल हो पार्टी। यूपी प्रथम थर एक दल द्वितीय थर पर शासन को आोआर समस्त एक्जिट पोल भूल प्रमाणित तो हो बीजेपी को चारि दिगर आशीर्वाद मिली। उत्तराखंड में इतिहास सृष्टि करछि बीजेपी। बीजेपी नीति उपर जनसाधारण मोहर मारिछन्ति। माँ और भौणी स्नेह पर बीजेपी को सफलता मिली। गरीब को अधिकार न मिलवा जाए शांति में बस भी नहीं बोली प्रधानमंत्री। 22 रो रिजल्ट 24 पर संकेत बोली प्रधानमंत्री कहते। से कहते उत्तर प्रदेश में 37 वर्ष रहा बीजेपी क्रमगत द्वितीय थर क्षमता को आसी। तीनोटि राज्य यूपी, गोआ एवं मणिपुर में बीजेपी भोट अंश वृद्धि पाई। गोआर समस्त अनुमान भूल होठार लोक मैंने तृतीय थर सेवा कर सुजोग। 10 वर्ष क्षमत रहा राज्य में बीजेपी आसन संख्या वृद्धि पाई। उत्तर प्रदेश में मध्य बीजेपी नुआ इतिहास सृष्टि कर राज्य में प्रथम थर पर एक दल निरंतर क्षमता को आग को परिवारवाद सूर्यास्त होगा प्रधानमंत्री। उत्साह का दिन है, उत्सव का दिन है। ये उत्सव भारत के लोकतंत्र के लिए है। मैं इन चुनावों में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके निर्णय के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवाओं ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और भाजपा की जीत पक्की की। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा जिन्होंने दिन रात देखे बिना इन चुनावों में कड़ी मेहनत की। हमारे कार्यकर्ता जनता जनार्दन का दिल जीतने में, जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में सफल रहे और पूरे पार्टी का नेतृत्व जिन्होंने किया, कार्यकर्ताओं ने को जिन्होंने लगातार मार्गदर्शन किया, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के हर छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने उनके अथक परिश्रम से आज
एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। साथियों, ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। पहले जनता अपने ही हक के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाकर थक जाती थी, बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, बहुत बुनियादी सुविधाओं के लिए, सामान्य जरूरतों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे, कुछ साधन संपन्न लोगों तक सुविधा पहुंचने के रास्ते अलग थे, पहुंच जाती थी। देश में गरीबों के नाम पर घोषणाएं बहुत हुई, योजनाएं भी बहुत बनी, लेकिन उस योजनाओं का जो हकदार था, जिस गरीब का उस पर हक था, उसके लिए ये हक उसको मिले बिना परेशानी को मिले, उसके लिए गुड गवर्नेंस डिलीवरी इसका बड़ा महत्व होता है। लेकिन भाजपा इस बात को समझती है और मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के नाते काम करके आया हूं, इसलिए मुझे पता है कि आखिरी इंसान की सुविधा के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। बीते वर्षों में हमने गवर्नेंस डिलीवरी सिस्टम तो बेहतर किया ही, साथ साथ पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाए हैं। भाजपा गरीब को भरोसा देती है कि प्रत्येक गरीब तक सरकार ने निर्णय किए हुई सुविधाएं जरूर पहुंचेगी, और मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। दो दशक से भी ज्यादा समय तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। सरकार में कितनी दिक्कतें होती हैं, गवर्नेंस में कितनी दिक्कतें होती हैं, इसको भली भांति जानता हूं। उसके बावजूद भी मैंने एक ऐसी हिम्मत की है, शायद कोई न कर पाए, और वो हिम्मत मैंने लाल किले से 15 अगस्त को मेरे भाषण में उसको व्यक्त किया था। मैंने कहा था कि अब भाजपा को जहां जहां सेवा करने का मौका मिलेगा, हम हर योजना के जो हकदार हैं उनके लिए 100% सैचुरेशन, यानि काम को 100% पूरा करना, हर गरीब तक हर सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना, ये 100% की कल्पना करना दो दशक से ज्यादा समय सरकार का काम करने के बाद मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी हिम्मत की है मेरे। और ये हिम्मत मैंने इसलिए की है कि जब ईमानदारी होती है
नीयत साफ होती है, गरीबों के प्रति करुणा होती है, देश का कल्याण यही जीवन का मंत्र होता है, तो फिर ऐसे निर्णय करने की ताकत पैदा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सकल खबर।